अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी पकोड़ा। और इसके लिए हमें प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। उसके बाद हमें चाहिए बेसन, बेसन में हमने नमक डाल लिया, हमने डाल ली कुटी हुई लाल मिर्ची, बेसन हमें एक प्याज ले लेना है। इसके अच्छे से आपने छान लेना है, इसमें कोई गुटियाँ ना ले जाए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर मैं थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करते रहें, पानी की जब जितने आपको नीड हो उतना आपने इसमें पानी ऐड कर लेना है। देखिए मैंने और पानी ऐड कर दिया है, इसका अच्छे से बैटर बना लें। बैटर बनाने का अच्छे से फेंट लें, इसमें कोई लम्स ना आ जाए। इसके बाद आपने इसमें पटाटो ऐड कर देना है, एक बड़ा आलू ले लें। फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसमें आपने प्याज डाल देना है, वो भी आपने बारीक कटी हुई होनी चाहिए। प्याज ऐड कर देना है आपने, और इसमें आपने हरी मिर्ची ऐड कर दी बारीक कटी हुई, बेकिंग सोडा, सॉल्ट, उसको भी अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। ये आपने को तेल गर्म करके फ्राई कर लेना है, अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तो आपने निकाल लेना है। अब इसको सर्व कर देना है केचप के साथ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें।